भाइयों, अब जो आप देखने जा रहे हैं एक मौत का दंगल, कि मुझे एक जगह उतरना है पूछिंग की और मुझे वहाँ मारना है फिर मरना है। यहाँ पर बहुत सारे बंदे उतरेंगे या फिर जो खून के प्यासे होंगे उनके दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि बस उतरना है या फिर मरना है या फिर मारना है। और मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे होगा क्या, मैं मरूँगा या फिर बंदों को यहाँ से भगा दूँगा या फिर उन सबको मार दूँगा। ठीक है, अब नीचे उतर चुका हूँ, बस उतरते ही फटाफट से एक वेपन मिल जाए ताकि कोई बंदा है तो उसको जल्द से जल्द मार सकूँ। पता उतर जाता हूँ, उतर गया, बस अब जल्दी से एक वेपन मिल जाना चाहिए। जीएमपीन सही है, काम हो जाएगा। लेवल 3 और लेवल 1 का, लेवल 1 का वेस्ट मिल चुका है, हेलमेट और वेस्ट मिल चुका है और शॉर्ट गन मिल चुकी है। चलो कोई बात नहीं, अगर कोई पास में बंदा होगा तो उसको शॉर्ट गन से मारने में आसानी होगी। लगता है बंदे उतर चुके हैं, गोलियों की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर एक बंदा दिख चुका है वहाँ पर मुझे। उसको मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन निकल गया। और सामने वाले घर में एक बंदा, उसको मारना पड़ेगा अगर गोली लगती है उसको, लेकिन गोली लगी नहीं उसको। यहाँ पर एक बंदा, उसको एक गोली लगी मेरी। और यहाँ पर एक बॉट आ चुका है, इसको मारते मैंने। अरे यार, ये बीच में बिल्डिंग आ गई, इसको आगे जाके मारना पड़ेगा। उतरता हूँ, आगे जाके मारता हूँ, इसको शॉट गन से मारना पड़ेगा। शॉट गन ही हाथ में, एक शॉट पड़ना चाहिए बस, एक शॉट में किल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे शॉट में किल हो गया है। इसे गन लेता हूँ फटाफट। लगता है इस पास वाले घर में एक बंदा है। बंदे की पैरों का आवाज़ आ रही मुझे, एम4 मिल गई, इससे काम हो जाएगा। शॉट गन की ज़रूरत नहीं है, रिलोड कर लेता हूँ एम4। मेडिकेट का भी जरूरत लेता नहीं, फिर बंदे को मारता हूँ। फिर देखता हूँ उसके पास कौन सा वेपन है। पिस्टल है उसके पास, चलो अच्छी बात है, पिस्टल है। उसको ऊपर जाकर मारता हूँ और ही ख़त्म। ज़्यादा दिन लगी मुझे वैभव भावेश को ज़्यादा देर मारने, ज़्यादा देर लगी नहीं उसको मारने में। वैभव भावेश ने लेवल 3 का हेलमेट दे दिया मुझे। अरे ये क्या, M416 से एमओ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, शॉट गन लेनी पड़ेगी। मैं मेडिकेट उठाता हूँ, शॉट गन लेता हूँ। शॉट गन अच्छी लगी इस टाइम, क्योंकि M416 की बुलेट्स ख़त्म हो चुकी है। देखते कोई बंदा है क्या आसपास। हाँ, गोलियों की आवाज़ आ रही, स्मोक ग्रेनेड डाल लेता हूँ। वो इस घर में बंदा है, इस घर में बंदा है, पैरों के निशान आ चुके हैं। देखता हूँ पहले उसके पास कौन सी गन है, चेक करता हूँ पहले। शॉट गन, शॉट गन अपने पास है तो उसके पास पिस्टल है। एक अच्छा सा एंगल लेता हूँ, उसको किल करता हूँ। ये एंगल लिया और ओह शिट, ओह शिट भाई, इसने तो बहुत गंदी लाइफ कर दी, बहुत गंदी। हील करता हूँ उसको पहले, और ये नीचे आ गया। किल कर भाई, किल कर, किल कर। रिलोडिंग गलती कर दी मयूर ने, रिलोडिंग पर चलेगी उसकी पिस्टल और वो निपट गया। अब मुझे ऊपर जाके फटाफट हील करना पड़ेगा और शॉट गन को रिलोड करना पड़ेगा। यहाँ बैठता हूँ, हील करता हूँ उससे पहले। फर्स्ट एड, एक फर्स्ट एड मार लेता हूँ, 3 फर्स्ट एड काम आएगी। अब फटाफट शॉट गन को रिलोड करता हूँ। फिर से पैरों के निशान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बंदा मेरे आसपास ही। मेरे पास सब अच्छा खासा है लेकिन M416 लेनी पड़ेगी अगर मिलती है तो। UMP को रिलोड करता हूँ। बंदा दिखा क्या, बंदा तो नहीं दिखा, बंदा फिलहाल तो दिख नहीं रहा है। लग रहा है पास वाले घर में जाके देखता हूँ अगर कुछ मिलता है तो। बोलो, यहाँ कार पड़ी है, डासिया पड़ी है, डासिया की कोई ज़रूरत नहीं अभी, जोन अपनी तरफ ही। ऊपर जाके देखता हूँ कुछ मिलता है। अरे क्या, गेम लैग हो रहा है। माइक ऑफ करके ग्राफिक्स बंद करता हूँ, ग्राफिक्स सही करता हूँ सब पहले तो। और ये ग्राफिक सही हो गए, अब क्या कहता हूँ। वही क्या, पैरों निशाना है। और ये बंदा, और ये किल आराम से, बहुत ही आराम से किल करिए। ओके, AKM मिलती है, AKM को लेता हूँ। क्या करूँ, पहले शॉट गन को ले जाता हूँ, काम करता हूँ। AR सप्रेसर काम आएगा एंड में। AR सप्रेसर रखता हूँ, हील करता हूँ बैंडेज। शॉट गन की एमओ हील गिरा देता हूँ, क्योंकि शॉट गन की अभी कोई ज़रूरत नहीं होगी। माइक ऑन करता हूँ, देखते हैं कौन क्या करता है। AKM रिलोड नहीं करी, कोई बात नहीं, अभी UMP से काम चलाएगा, क्योंकि उसमें 40 MO है। उसका एक्सीडेंट बैग मिल चुका, अच्छी बात है। सिक्योर लग रहा है, सामने वाला घर में बंदा है मुझे, सब मुझे हल्का हल्का लग रहा है, इसलिए थोड़ा मूवमेंट रख के चलता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज। ओहो, यहाँ पर किसी स्मोक डाल दिया भाई साहब, किसी उसमें स्मोक डाल दिया गड्ढे में, कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा है सामने वाले घर में बंदा है, बिल्डिंग में बंदा लग रहा है मुझे। इस घर में सामने वाले बिल्डिंग में जस्ट बंदा है, मुझे पैरों के निशान की आवाज़ आ रही है। बंदा तो है इस घर में, पक्की बात है, इसलिए मूवमेंट करके मिलता हूँ, लेट जाता हूँ यहाँ पर। देखता हूँ कोई बंदा की पैरों की निशान आती है यहाँ आवाज, फिलहाल तो नहीं आती। यह बंदा है, बंदा है, और यह बंदा गया बहुत ही आसानी से, बंदा निपट गया। 5 किल हो चुके पहुँचेंगे, अच्छी बात ही है। देखते हैं बंदा आता ही नहीं आता है। ओ
और सामने बंदा है, उसको UMP की गोलियां लगी पर निर्भय गया। UMP की बहुत ही अच्छी सही शॉट रेड डॉट से पड़ी उसको गोलियां, लेकिन छुप गया वो। फिलहाल उस बंदे को लूट गया था। फिलहाल अगर से तो अच्छी सी मिल गई थी, लाइफ थोड़ी कम हो गई, बैंडी लगानी पड़ी ऊपर जाएगा फटाफट। एक ही अभी नोट करता हूँ, बंदा होकर मार दिया कि UMP खत्म हो चुकी है, कोई नहीं है, लेट के उसको सबसे पहले लूट करता हूँ। मेडिकेट दे चुका है, स्कोरेक्स दे चुका है, आराम से सब दे चुका है मुझे, कंपनसेटर सैम्पल चिक टू सब दे चुका है मुझे। 4x लगाता हूँ UMP 9 में, रेड डॉट लगाता हूँ और होलोग्राफिक को लगाता हूँ। यार सप्रेसर की जरूरत नहीं है, रखें देता हूँ फटाफट, ही करता हूँ बैडनेस करता हूँ फटाफट। ऐसा लग रहा है बंदा है आसपास में, भाई कर अपने पास से ऊपर जाता हूँ वापस उस बिल्डिंग में ताकि उस बंदे को सबसे पहले मार सकूँ। ऊपर चढ़ा और अभी तो कोई दिखा नहीं मुझे, पैरों के निशान फिर आए, पैरों के निशान फिर से आए। ऐसा लग रहा बंदा आसपास ही घर के आसपास ही है, बंदा घर के यहीं कहीं बैठा होगा वो। पैरों के निशान आ रहे हैं, अभी देखता हूँ यहाँ साइड में बैठ के देखता हूँ, लेकिन कोई नहीं खबर। ऊपर जाके देखता हूँ क्योंकि उस सामने वाली बिल्डिंग वाले बंदे को निपटा चुका हूँ, तो राइट में एक बिल्डिंग थी उस पर बनना है। UMP 9 को रिलोड करता हूँ फटाफट, फोर से चेक करता हूँ कि बंदा है कि नहीं। फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा मुझे। ओहो बंदा दिख गया मुझे, एक बंदा दिख गया मुझे, एक बंदा दिख चुका है मुझे। ये बॉट है भाई, AKM से चल नहीं रही मुझसे अभी फिलहाल, अनशन बोले जा रही थी। लेकिन फिर रमोन डैनियल को निपटा चुका है, 6 किल हो चुके हैं बचेंगे यहाँ पर। ऐसा लग रहा हूँ सामने बंदे बिल्डिंग में बंदा बैठा, पिक करके देखता हूँ, पिक करके देखता हूँ बंदा है क्या। बंदा तो नहीं है, सिर्फ एंगल है उसका, रेलिंग का एंगल है, बंदा नहीं है। चेक करता हूँ बंदा होगा आसपास में कहीं, भाई बहुत ही इंटेंस गेम चल रहा है पोचिंग के। फिर समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। किल करने थे यहाँ पर 20 स्कारल से, लेकिन एक अब तक मुझे स्कारल नहीं मिली। काम करता हूँ उस बंदे को लूट के आता हूँ, ऐसा उधर फटाफट उस बंदे को लूट के आता हूँ। अच्छा नहीं मिली तो फिर से चेक करता हूँ बंदा तो नहीं आसपास में। ये क्या उस साइड शेड की तरफ गोल्ड चलती है, 4x चेक करता हूँ। ये वही बंदा जो डांसा लेके गया था, आपको डांसा देखी, ये डांसिया, ये वही बंदा जो डांसिया लेके भग गया था ऐसे। एक काम करता हूँ फिर डांसिया फोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये क्या 4x की स्टेबिलिटी बहुत गंदी जा रही है, बहुत ही गंदी जा रही है 4x की स्टेबिलिटी। और उसको गोली लगनी चाहिए लेकिन लगनी चाहिए, सब ऊपर जा रही है। या हो सकता तो जंप करेगा, सिंगल रखता हूँ शॉट मार की कोशिश करता हूँ, लेकिन पड़ नहीं रही शॉट, जंप हुआ लेकिन गिर गया नीचे। चांसेस है मेरी, और चौधरी ने DP से एक बंदे को निपटा दिया है। मेरे को मालूम पड़ गया उसको बंदा मारेगा नहीं मुझसे, इसलिए मैं इधर ही कोई बंदा होगा उसको मारता हूँ। वो बंदा निकलेगा ऐसे मुझे मालूम, ओह इधर निकल चुका है वो, उसको गोली लगेगी नहीं मुझे मालूम है, नहीं लगेगी उसको गोलियाँ, एक भी गोलियाँ नहीं लगेगी। फायदा नहीं उसको मारने का, छोड़ा उसको, अब तो निकल जाएगा धीरे से। चेक करता हूँ आपको बंदा है, सबसे पहले इस बंदे को लूट जाता हूँ, क्या मिलता है बाद देखने लायक होगा। एक के हाथ में रखता हूँ, लेट जाता हूँ, लूटता हूँ। ओ यहाँ पर M16 M4 मिल गई तो यूज़ करूँगा नहीं, M16 M4 भी डालता हूँ। UMP 9 मेरे पास, इस घर में बंदा है, इस घर में 100% एक बंदा है शायद। क्या एक सड़ ग्रेनेड डालने की कोशिश, एक नेट डालने की कोशिश करता हूँ। ओ भाई गलती से लड़े ही गया, दौड़ना पड़ेगा मुझे और नेट ख़त्म, पर बंदा नहीं है। ऊपर जाके देखता हूँ एक बार, कोई नहीं, अंदर ही अंदर भी नहीं है, लेकिन बंदा है कहाँ, देखना पड़ेगा इस बंदे को सबसे पहले। देखता हूँ बंदा फिलहाल, ये देखता हूँ, ये देखो इस घर में बंदा है। पिक करके नेट डालने की कोशिश करता हूँ, और ये नेट डाल दिया मैंने, नेट डाला, क्या मरेगा बंदा? नहीं मरा, मतलब उस घर में बंदा नहीं है। ऐसा लग रहा मुझे मेरे घर के नीचे बंदा है, उसको नीचे जाके मुझे मारना पड़ेगा। अगर वो नहीं मरा तो मुझे दिक्कत आएगी, क्योंकि वो सबसे उसके पास एडवांटेज है, वो एकदम सीढ़ियों पे आ गया तो मुझे आराम से निपटा देगा, मैं क्राउड पोजीशन में हूँ और मेरी एकदम से उसके स्प्रे नहीं लगेगा उसको गोली का। तो एक बार काम करता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ अगर बंदे की पैरों निशान आ रहे हैं। फिलहाल तो कोई पैरों निशान नहीं है, बैग चेक कर लेता हूँ, कुछ एक है मेरे पास और एक ही नेट बचा है मेरे पास। और ये क्या हो रहा है, स्ट्रीम क्वालिटी बहुत गंदी जा रही है, लेकिन फिर से हो गई। देखते हैं बंदा है कि नहीं आसपास, अभी पैरों के निशान आ रहे हैं और एमओ के निशान आ रहे हैं मिनी मैप में, और ये पैरों के निशान फिर आए। काम करता हूँ, चेक करता हूँ इस नीचे वाली बिल्डिंग में तो नहीं है, इसमें तो नहीं, पक्की बात होगी। एक काम करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ सबसे पहले तो। फिलहाल तो पूरी तरीके से मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि बंदा इस घर में है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले तो।
इस घर का गेट टूट डोर छूट चुका है, जिसमें नेट से डोर टूट तोड़ देता हूँ मैं फटाफट। एक बार नीचे आके देखता हूँ बंदा है कि नहीं, यहाँ बंदा तो नहीं है। फटाफट घर के अंदर घुसता हूँ, फिर चेक करता हूँ बंदा है कि नहीं, यहाँ बंदा नहीं है। यहाँ तो बंदा बिल्कुल नहीं है। आगे जाके चेक करता हूँ बंदा है क्या, यहाँ पर भी बंदा नहीं है। इस घर में बंदा जैसे लग रहा है, राइट राइट वाले घर में बंदा है, राइट वाले घर में बंदा है ऐसा लग रहा है मुझे फिलहाल। तो देखता हूँ राइट वाले घर में बंदा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है हल्का हल्का मुझे राइट वाले घर में बंदा है। अभी मेरे पास एक ही नेट बचा है, अगर उस नेट को वेस्ट कर दिया मैंने तो फायदा नहीं होगा मुझे। अभी मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि सामने वाले घर में बंदा है। अब मुझे राइट से एमओ की आवाज़ आ रही है, इस घर में बंदा, उसका हेड उसका बैकपैक दे चुका है मुझे। नेट डालूंगा एक पिक करके, टाइम रखूंगा, डालता हूँ। क्या मरेगा इस नेट से? मेरे ख्याल से मर जाएगा क्योंकि वो आएगा। आ गया, ये आ गया, और एक किल सुभाष कृष्ण का फ्रैग ग्रेनेड से हमने किल कर चुका, 7 किल हो चुका हमारे पहुंचिंग की में। अच्छी बात ये है, सबसे कुछ नहीं इसके पास, पिस्टल थी इस बंदे के पास। ये बंदा सुभाष कृष्ण का ग्रेनेड, उसके पास क्या M4 लग रही है मुझे फिलहाल, चेक करता हूँ। M4 पड़ी है, एक मेडिकेट पड़ा है, पर मेडिकेट ऑलरेडी सफिशियंट है मेरे पास, मुझे जरूरत नहीं मेडिकेट। फिर से पैरों के की आवाज़ आ रही है मुझे, श्योर नहीं के बंदा यही है कि नहीं। 7 किलो हो चुके हैं पहुँचेंगे में, 26 जने बाकी है, बहुत ही इंटेंस। ओह मुझे पैर ने बचा लिया भाई, पैर ने बचा लिया, ये रियल बंदे का स्प्रे था, पैर ने बचा लिया मुझे। ऐसा क्यों लग रहा है बंदा सामने वाले घर में ही लग रहा है मुझे एकदम, मतलब उस गैलरी में देखता बंदा का है। ओहो नेट डाल रहा भाई साहब, और स्मोक ग्रेनेड डाला उसने, और खेल स्मोक ग्रेनेड डाल रहे थे भाई साहब, स्मोक ग्रेनेड डालने की गलती करी उसने। उसको लगा स्मोक ग्रेनेड डालूंगा तो बंदा नीचे कूद जाए। ओह सामने से गाड़ी जा रही है, लेकिन निकल गई गाड़ी। इसको लूटता सबसे पहले, इससे मुझे एक्सटेंडेड मैग मिल चुका है, एक M16A4 मिल चुकी है, तो M16A4 यूज़ करूँगा फिलहाल तो मैं, क्योंकि मेरे पास 4X पड़ा है तो मैं अब UMP9 का कोई यूज़ नहीं, निकाल देते सब कुछ, सब कुछ अब पूरी तरीके से हम कंफर्टेबल है। स्मो हो गया हमारे पास, 8 किलो हो चुके हैं पहुँचिंग में, आराम से 8 किलो हो चुके हैं। मेडिकल लेता हूँ, और 5.6 AMO सफिशियंट है मेरे पास, सिंगल रखूँगा ब्रश को। 180 AMO से 5.6 की चेक करता हूँ, देखता हूँ अब मैं। ऐसा कर रहा सामने फायरिंग चल रही है, चेक करके आता हूँ, इस घर में चेक कर लेता हूँ अगर मुझे कोई स्नाइपर मिल जाए तो। स्नाइपर है हमेशा मिलती है, लेकिन घर ऑलरेडी लूटेड है। देखता हूँ आगे जाके क्या होता है, आगे पुश करता हूँ थोड़ा सा, इस घर को चेक करता हूँ, लेकिन ये घर भी लूटेड है, इसका गेट खुला हुआ है, इसलिए बाहर निकल जाता हूँ सीधा। इस घर में चेक करता हूँ, इस घर में भी कुछ मिला नहीं मुझे, इस ऊपर जाके देखता हूँ कोई बंदा तो नहीं है, यहाँ पर तो कोई बंदा नहीं है। टॉमी गन पड़ी है एक, आगे जाके देखना पड़ेगा हमको। इस वाले घर में चेक करता हूँ एक बार, फिर हम चेक करते हैं कोई बंदा है। क्रॉसबो पड़ा है, माइक्रोजी क्रॉसबो पड़ा है, ये 9M की बुलेट्स पड़ी है, मिनी 14 पड़ी है, मिनी 14 काम आएगी, मिनी 14 लूँगा मैं। बहुत सारी एमओ हो चुकी, ओहो वैसा लग रहा बंदा ही कहीं है, चेक करता हूँ एक बार फिलहाल। ओके कुकिंग और रिसन लेना चाहता मैं अभी, देखता है बंदा है कि नहीं मेरे पास, पास ऐसा लग रहा है बंदा है आसपास। एंड में बैठता हूँ, सबसे पहले जो काम की चीज़ उसको ड्रॉप करता हूँ, मिनी 14 को रिलोड करता हूँ 4X अपने पास। बंदा तो नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर कोई, ATM को आगे रखता हूँ उससे पहले, चेक करता हूँ नीचे कोई बंदा है फिलहाल तो, कोई बंदा दिखा नहीं मुझे यहाँ पर, तो कोई बंदा नहीं है। देखता हूँ आगे जाके, इस बार सामने वाला घर में बंदा लग रहा मुझे, आगे जाके चेक करता हूँ। ओहो उसने मुझे देख लिया शायद तक, उसने मुझे देख लिया सामने बंदे ने, देखता हूँ ऐसे मुझे दिख जाता, अच्छी बात है। और बंदा एक ही बैठा है, उसके पैरों की आवाज़ फिर आई, बुलेट्स की आवाज़ फिर आई, पैरों की आवाज़ सामने वाले घर से आ रही है। ये रहा बंदा, इसको बस कार 98 आराम से किलो हुआ है, इसका कार 98 से लवी शूप को मैंने निपटा दिया है। फिर से एक पैरों की आवाज़ आ रही है, इसको लूटने गया तो मैं निपट जाऊँगा, इसको लूट लेता हूँ फटाफट फटाफट, इसको लूट लेता हूँ। कार 98 मिल चुकी है, कार 98 काम तमाम कर दूँगा लगता है मैं, सोच रहा हूँ उस कार लू कर लूँ। फिर से बंदे की आवाज़, फिर से बंदों की पैर की आवाज़। अब यहाँ बैठता हूँ सोफे में फिलहाल तो,
फिर से अपनी जगह बदलता हूँ। वो बंदा दिख गया, वो मुझे मारने की कोशिश करेगा स्कारल से, लेकिन मैं उसको मार दूंगा सबसे पहले। विजय चंडी को मैंने सबसे पहले मार दिया और 10 किल हो चुके हैं हमारे। सब कुछ है फिलहाल हमारे पास, क्या जो नहीं है वो क्या है कुछ भी नहीं कह सकता मैं। अपनी सेम वो सारी ब्लड स्टॉप कर दी मैंने, एनर्जी ड्रिंक्स बहुत सारी हो चुकी है मेरे पास। बैंडेज लगा था फटाफट, उस कान हंटेड वाले बंदे को लूटना पड़ेगा। तो कान हंटेड पर ही, और कान हंटेड इस गेम में बहुत काम आएगी। अब एक एम को रिलोड करता हूँ, आगे आगे देखता हूँ कोई बंदा तो नहीं है। कान हंटेड मिल चुकी है, इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारे बंदे मिल चुके हैं। यहाँ पर भी आ जाता हूँ सारी चीज़ें, और सिर्फ 7% की ब्लड रख लेता हूँ बस। बहुत 7% की ब्लड मेरे पास, अब ज़्यादा चाहिए नहीं मुझे, मेरे पास सब कुछ है। अब देखता हूँ बंदा है कि नहीं आसपास कोई, फिलहाल तो कोई बंदा लग नहीं रहा मुझे। फिलहाल तो कोई बंदा लग नहीं रहा है। अब आगे की चीज़ दिखाता हूँ, कुछ फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा मुझे। मैं आगे निकल चुका हूँ पोचिंग के, यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है बंदे यहाँ पर कार ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि जोन आ चुका है, जोन आ चुका है। फटाफट ढूंढता हूँ सबसे पहले जो चीज़ मिले मुझे। कार तो मिली नहीं यहाँ पर, इसी सामने दौड़ता हूँ, रोड टू रोड दौड़ता हूँ ताकि अगर कार मिल गई तो अच्छी बात है। राइट में चेक करता हूँ, कोई है तो नहीं, कोई भी नहीं, ऑल क्लियर। और यहाँ पर गोलियाँ लग रही, और शादी बचूँ, अब मैं शादी बचूँ पहले भी बचूँ। और एक भाई साहब तेजस एक्स स्नाइपर ने हमको निपटा दिया है, तो एंड बहुत ही